लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग आज श्रीमद् भागवतम से कुछ श्लोकों की व्याख्या सुनेंगे। स्कंद एक अध्याय दो और श्लोक नंबर 12, 13 और 14, कैंटो 1 चैप्टर 2 वर्स नंबर 12, 13 एंड 14 आप हमारे पीछे दोहरा सकते हैं। इन श्लोकों को ध्यान से सुनिए और हमारे पीछे दोहराइए। तच्छ्रद्धधाना मुनियो तच्छ्रद्धधाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतग्रहीतया भक्त्या श्रुतग्रहीतया। अतः पुंभिर्द्वजः श्रेष्ठः अतः पुंभिर्द्वजः श्रेष्ठः वर्णाश्रम विभागसह वर्णाश्रम विभागसह स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर् हरितोषणम् संसिद्धिर् हरितोषणम् तस्मादेकेन मनसा तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। पहले श्लोक का ट्रांसलेशन सुनेंगे और इसके बाद इसकी व्याख्या। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की गई भक्ति के द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाते स्वपदान्तिकं वन्देहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री राधा गोविंद जी की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री लड्डु गोपाल की जय श्रील प्रभुपाद की जय। इसका जो पर्पोट है वो बहुत लंबा है तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन आपने सुना और अब कुछ श्लोकों की चर्चा करेंगे। इसके पहले श्रीमद् भागवतम में ऐसा श्लोक है कि वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सद्यते। भक्तों की कैपेसिटी के आधार पर कि वो कितना ग्रहण कर सकते हैं भगवान उन्हें अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, अलग अलग रूपों में वो भगवान की अनुभूति कर पाते हैं। तो कई प्रकार के भक्त होते हैं, कर्मी ज्ञानी योगी और भक्त वैष्णव भक्त। तो जो कर्मी हैं उनकी तो अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जो ज्ञानी हैं वो भगवान की अनुभूति करते हैं ब्रह्म के रूप में, इंद्रियों को वश में करके इंद्रिय संयम करके भगवान की अनुभूति करते हैं ब्रह्म के रूप में। योगी जन योग इत्यादि लगा के उसमें भी कहीं कहीं भक्ति मिश्रित होती है, तपस्या करते हैं तो भक्ति के कुछ एलिमेंट उसमें भी आते हैं। तब कहीं जाके बहुत लंबे समय तक योग इत्यादि करके और वो भगवान को ही परमात्मा रूप में समझ पाते हैं। और जो कृष्णदास हैं भक्त हैं वो अपने रियलाइजेशन से शास्त्रों से सुन के पढ़ के भक्तों का संग करके वो परम सत्य को भगवान के रूप में जानते हैं। तो कहा गया है वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सद्यते। तत् का अर्थ होता है संस्कृत में उनको या उसको, उनको जान पाते हैं। किनको जान पाते हैं? परम सत्य को जान पाते हैं। तत् कह के परम सत्य कह दिया गया कि परम सत्य को वो लोग अलग अलग रूपों में जान पाते हैं। तो जब इस प्रकार से परम सत्य के विषय में कहा जाता है, कहना होता है तो तत् कह दिया जाता है। तत् तो तत् से संबोधन होता है कि परम सत्य की चर्चा की जा रही है। तो डायरेक्ट कृष्ण क्यों नहीं कहा गया? डायरेक्ट कृष्ण कह देते हैं लेकिन परम सत्य, तो इसका अर्थ है कि परम सत्य केवल कृष्ण नहीं है बल्कि भगवद गीता में जिन विषयों के ऊपर चर्चा की गई है वो सबके सब परम तत्व हैं। भगवद गीता में मुख्यतः पांच विषयों की व्याख्या की गई है, पांच विषयों के बारे में सिखाया गया है पूरी श्रीमद् भगवद गीता में। और वो पांच विषय क्या हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये पांच विषय हैं जिसकी जानकारी हमें भगवद गीता से मिलती है। तो तत् कहकर इन सब की बात की जा रही है। ईश्वर तो है श्री कृष्ण, सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है ना, सत्यम परम धीमहि। सीधे कह देते कृष्ण परम धीमहि, कृष्ण को प्रणाम करता हूँ लेकिन परम सत्य को प्रणाम करता हूँ। तो इसका अर्थ है कृष्ण को तो प्रणाम करते हैं, ईश्वर को तो प्रणाम करते हैं और ईश्वर से संबंधित जितने भी परम तत्व हैं, जितने भी सत्य हैं उन सबको प्रणाम करते हैं। तो
तो जीव भी सत्य है, जीव भी सत्य है। जीव क्यों सत्य है? क्योंकि जीव कृष्ण का अंश है, इसलिए सत्य है। जीव जो शरीर के अंदर रहता है वो अंश है। किसका अंश मात्र है? भगवान का अंश है। जीव में वही क्वालिटी है जो भगवान में है। भगवान में कौन सी क्वालिटी है? हम लोग हमेशा सुनते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं, भक्तों के द्वारा सुनते हैं कि भगवान सच्चिदानंद है। तो जिस प्रकार से भगवान सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद है। तो जीव भी परम सत्य है। हम लोग कहते हैं कि ये मटेरियल बॉडी जो है ये छूट जाएगी, ये चली जाएगी, लेकिन जो जीव है वो कभी भी उसका परिवर्तन नहीं होता है। जो जीव है वो शाश्वत है। हम लोग कहते हैं शरीर के मारे जाने पर जीव नहीं मारा जाता। हम लोग सुनते हैं ना भगवद गीता में, जीव को कोई नहीं मार सकता है, ना कोई पैदा हुआ ना कोई होगा जो जीव को मार सके। भगवद गीता में भगवान का वर्डिक्ट है, भगवान ने कहा है। क्या कहा है भगवान ने? कि अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मारा जाता है, आत्मा शाश्वत है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावक ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। इसको तलवार से काटा नहीं जा सकता है, ना हवा बहा के लेकर नहीं जा सकते हैं, सूर्य की किरणें इसको सुखा नहीं सकते हैं, जला नहीं सकते हैं। तो जीव भी शाश्वत है, कहने का अर्थ ये है। तो नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदिधाति कामा। एक उपनिषद है जिस उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद में 2.2.13 में ऐसा कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। भगवान नित्य हैं। नित्य का अर्थ क्या है? इटर्नल, हमेशा रहने वाले हैं। ना कभी कभी कुछ लोग इस प्रकार से तर्क करते हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में, कहते हैं ना कि भगवान तो अभी अभी आए द्वापर युग में, कृष्ण आप लोग कहते हो कि यही सबके क्रिएटर हैं, इनसे सब कुछ आता है, लेकिन भगवान तो अभी अभी आए हैं द्वापर युग में 5000 साल पहले। तो जिन्होंने 5000 साल पहले जन्म लिया वो अवतारीय कैसे हो सकते हैं? वो तो अवतार हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण का अवतार हुआ था, कृष्ण आए थे, नारायण कृष्ण रूप में आए थे, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन शास्त्र बतलाता है कि भगवान का यही स्वरूप है, यही स्वरूप है। दूसरे युगों में जब भगवान को आना होता है तो भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, कभी नरसिंह के रूप में, कभी वामन के रूप में, है ना, कभी वराह के रूप में, कभी श्री रामचंद्र जी के रूप में, ये सब अवतार हैं, लेते हैं। लेकिन कृष्ण अवतारीय हैं, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। तो नित्यो नित्यानाम, जैसे भगवान नित्य हैं, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं, लीला करते हैं, नित्य हैं, उसी प्रकार से जीव भी नित्य है, जीव भी नित्य है। और भगवान की प्रकृति, भगवान इसके क्रिएटर हैं, इसलिए ये परम सत्य है, इसलिए भी सत्य है। भगवान तो परम सत्य हैं, प्रकृति भी सत्य है। प्रकृति का वर्णन किया गया है भगवद गीता में। तो भगवान क्या कहते हैं? मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है, और भगवान की अध्यक्षता में यदि कोई कार्य करे तो निश्चित रूप से वो सत्य होगा, निश्चित रूप से सत्य होगा। तो प्रकृति भी, क्योंकि भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है, तो ये प्रकृति भी एक तरह से सत्य है। तो तत् कहकर इन सबका संबोधन किया गया है भगवद गीता में। जिन जिन विषयों के बारे में चर्चा है सबका संबोधन किया गया है। तो
वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यजज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो कोई उन्हें ब्रह्म कहता है, कोई उन्हें परमात्मा कहता है और कोई उन्हें भगवान कहता है। तो अब इन भगवान की अनुभूति कैसे होगी, इन भगवान को कोई कैसे देखेगा, कैसे देख सकता है, वो आगे के श्लोक में बताया है। देख सकता है, यहाँ भी तत् कहा गया, तत् श्रद्धाना मुनियो, श्रद्धाना मुनियो। तो कोई देख सकता है अपनी श्रद्धा के कारण। तो सबसे पहली वस्तु क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्वभाव की श्रद्धा जो अंदर से आती है, स्वभाव की श्रद्धा, और दूसरी होती है बल उत्पादनीय श्रद्धा, जो एक्सटर्नल रीजन के कारण कभी कभी श्रद्धा हो जाती है। किसी के जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए तो चले आए भगवान के, भगवान आप दूर कर दीजिए, और दूर कर देंगे तो आपको हम 1 किलो शुद्ध घी के लड्डू चढ़ाएंगे, वो भी बना के नहीं खरीद के। तो ये है बल उत्पादनी श्रद्धा, कि प्रॉब्लम्स हुई, प्रॉब्लम्स आई तो भगवान के पास आ गए, कोई दुख हुआ तो भगवान की याद आए कि हाय राम ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ना, एक्सटर्नल रीजन के कारण जो श्रद्धा उत्पन्न। और एक होती है स्वभाव की श्रद्धा। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो स्वभाव की श्रद्धा की बात हो रही है, जो हृदय में, हृदय से अपने आप उत्पन्न होती है उस श्रद्धा की। तो श्रद्धा के बिना, श्रद्धा पहली सीढ़ी है, अगर आप भक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं अपने हृदय में, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो श्रद्धा पहली सीढ़ी है। श्रद्धा के बिना कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। तो श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम सबको कहाँ जाना है, हम सबको गोलोक वृंदावन जाना है एक दिन। क्यों जाना है गोलोक वृंदावन, कौन बताएगा? क्योंकि लौट के नहीं आना है, लौट के नहीं आना है, है ना? और भक्तों से पूछेंगे और कि आप क्यों जाना चाहते हैं गोलोक वृंदावन, तो वो कहेंगे भगवान की सेवा करना चाहते हैं गोलोक वृंदावन जाके, है ना, भगवान के साथ रहना चाहते हैं। अब वहाँ पहुँच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वापस नहीं आएंगे, ये भी बात अच्छी है। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य यही सोचता है कि हमें वहाँ जाना है जहाँ जाके दुखों में नहीं आना है। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद् धामं परमं मम। भगवान के धाम का ये गुण है कि वहाँ जाके कोई वापस आ ही नहीं सकता है, और यहाँ बहुत दुख है, तो प्रारंभ में लोग दुखों से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं, तो भगवान से प्रेम हो जाता है। तो प्रेम हो जाता है तो वो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान के बिना रह नहीं पाते हैं, भगवान के साथ में रहना चाहते हैं, धाम में रहना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तब फिर वो इसलिए गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं। तो गोलोक वृंदावन जाना है तो जाने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको विदेश जाना है तो विदेश जाने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है जी? पासपोर्ट की आवश्यकता है, है ना? तो सबसे पहली आवश्यकता किसकी है? धन की, पैसे की। पैसे के बिना पासपोर्ट भी नहीं बनेगा। सबसे पहली अवस्था, प्रारंभिक आवश्यकता किसकी है? धन की। धन के बिना कोई बना सकता है पासपोर्ट? नहीं बना सकता है, है ना? तो सबसे पहले क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो एक एनालॉजी आपको देते हैं, चलिए यही बात रही है तो ऐसे ही एक एनालॉजी देते हैं। बोले श्री राधा गोविंद जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री गौर निताय की। तो जैसे विदेश जाना है तो पासपोर्ट की आवश्यकता है, तो सबसे पहले आपके पास धन होना चाहिए, क्योंकि धन के बिना पासपोर्ट नहीं बनेगा। गोलोक वृंदावन जाना है तो सबसे पहले आपके पास श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना आप लोग गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। तो श्रद्धा पहली सीढ़ी है।
धन होना पहली सीढ़ी है अगर आपको विदेश जाना है। तो धन है आपके पास तो आप किसी को हायर करते हैं। यहाँ पे तो ठीक है, लोग ऑनलाइन सब कर लेते हैं, लेकिन इंडिया में लोग कोई किसी ब्रोकर को, किसी एजेंट को हायर करते हैं। तो एजेंट को पैसा दे देते हैं और वो लोग पासपोर्ट बना देते हैं आपका, है ना। तो पैसा होना चाहिए, फिर एजेंट होना चाहिए। तो एजेंट का आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। सबसे पहली जो आवश्यकता है वो श्रद्धा की है, और इसके बाद एजेंट की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, या अच्छे भक्तों की आवश्यकता है, साधुओं की आवश्यकता है। तथो अथ भजन क्रिया, उसके बाद प्रोसेसिंग शुरू होती है। उसके बाद क्या शुरू होता है, पासपोर्ट बनने के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। तो आदौ श्रद्धा ततः साधु संग तथो अथ भजन क्रिया। जब भजन क्रिया करते हैं तब अनर्थ निवृत्ति स्यात्, तब अनर्थ निवृत्तियां होती हैं। आपका पुलिस चेक होता है कि इसने कोई गलत काम तो नहीं किया है। यदि गलत काम किया है तो पासपोर्ट आसानी से नहीं बनेगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, आपको दूसरी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा ना, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा। यदि बड़े बड़े अपराध किए होंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगी रहेगी। तो आदौ श्रद्धा ततः साधु संग ततोवत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। हमने भजन स्टार्ट किया, जब करना शुरू किया और ये सब प्रकार के दुख हमें क्यों आ गए, हम तो भजन कर रहे हैं फिर ये दुख हमें क्यों मिल रहे हैं। लोग ये प्रश्न करते हैं, प्रभु जी पहले तो लाइफ ठीक चल रही थी, जब से जप करना शुरू किया तब से जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए। क्यों? जब से जप करना शुरू किया तब से आपकी अनर्थ निवृत्ति कटने लगी। आपने जो बड़े बड़े दुष्कर्म किए थे, हमने जो बड़े बड़े दुष्कर्म किए थे पिछले जन्मों में या इस जन्मों में, तो वो सब अनर्थ निवृत्तियां छोटे छोटे दुखों के रूप में कटने लगी। बड़ा दुख तो मृत्यु है जो सबको आएगा, ये भी एक सत्य है जो सब देखते हैं लेकिन सीखता कोई नहीं है। हम सब देखते हैं ना मृत्यु, ये सत्य है। लोग कहते भी हैं एश्योरेंस डेथ, ऐसा कहते भी हैं तो, लेकिन हम सब देखते हैं लेकिन हम सीखते नहीं। हम सोचते हैं कि हम जी जाएंगे ना, हम लोग यही सोचते हैं। तो बड़ा दुख तो मृत्यु है वास्तव में, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता है। तो लेकिन छोटे छोटे दुख आते हैं अनर्थ निवृत्ति से आते ना, और इसके बाद क्या शुरू होता है, इसके बाद निष्ठा आती है। इसका मतलब आपको आपका पासपोर्ट मिल गया, आपका आपको पासपोर्ट मिल गया। पहले क्या हुआ, पैसे की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है। दूसरा क्या हुआ, एजेंट की आवश्यकता है ना, या फिर गुरु या फिर साधु संघ की आवश्यकता है, या गुरु ही साधु संघ है तो गुरु को मान लीजिए एजेंट। इसके बाद क्या है, भजन क्रिया प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, अनर्थ निवृत्ति, आपका पुलिस चेक हुआ ना, प्रोसेसिंग हुआ, पुलिस चेक हुआ, और इसके बाद क्या हुआ, अनर्थ निवृत्ति के बाद ततो निष्ठा रुचिस्तता, आपका पासपोर्ट आ गया तब आपको रुचि उत्पन्न हुई। क्या रुचि उत्पन्न हुई, कि अब हमने जाना है कौन से देश जाना है, रुचि उत्पन्न हो रही है, अमेरिका जाना है कि ऑस्ट्रेलिया जाना है कि लंदन जाना है, यूके जाना है, कहाँ जाना है, रुचि उत्पन्न। भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति से आत, जब अनर्थ निवृत्तियाँ खत्म हो जाती हैं तब फिर हरे कृष्ण महामंत्र जपने में टेस्ट आने लगता है, तब फिर मजा आने लगता है, तब फिर अच्छा, पहले अच्छा नहीं लगता है, पहले जैसे ही माला उठाया कब खत्म होगा, जैसे ही उठाया तो लगता है कि इतनी देर हो गई जप रहे हैं। मंदिर में एक माला जप कराते हैं तो यही लगता रहता है खत्म कब होगा, घर में तो जल्दी जप लेते हैं, यहाँ इतना टाइम क्यों लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बीट खिसका ही नहीं रहे। लोग ऐसा सोचते हैं ना, क्यों, क्योंकि रुचि नहीं है। यदि रुचि होगी तो हम लोग क्या सोचेंगे, अरे इतनी जल्दी माला कैसे खत्म हो जाए, हम लोग ये सोचेंगे और अच्छे से जपेंगे और प्रेम से जपेंगे, है ना। तो जब किसी को ज्वाइंडिस हो जाता है तब मीठी वस्तु का टेस्ट नहीं आता है,
मिश्री खाएंगे तो कड़वी लगेगी, बताइए मिश्री कैसी होती है, मीठी होती है, लेकिन जॉइंटिस जब हो जाता है तो मिश्री कड़वी लगती है। लेकिन जॉइंटिस की दवाई क्या है, मिश्री, गन्ने का जूस, जब ये खाएंगे ये पियेंगे तो धीरे धीरे जॉइंटिस चला जाता है, शुरू में अच्छा नहीं लगता है लेकिन दवाई क्या है, यही दवाई, जब जपते रहेंगे बढ़िया से प्यार से, कोशिश करेंगे सुनने की बोलने की, तभी अच्छा लगने लगेगा। तब कहीं भी खाली बैठेंगे तो आप अपना माला ढूंढेंगे, माला कहाँ है, जैसे खाली बैठेंगे, अभी तो रिमोट ढूंढते हैं, जैसे खाली बैठते हैं रिमोट ढूंढते हैं, क्यों, क्योंकि हमें भगवान से अभी प्रेम नहीं, अभी रुचि नहीं आई, लेकिन जब रुचि आ जाएगी तो हम माला ढूंढेंगे, रिमोट नहीं, रिमोट फेंक देंगे, फिर ये बेकार की चीज़ है, फिर माला ढूंढेंगे, जैसे खाली है माला ढूंढा और माला करने लगे, रुचि कथा, पासपोर्ट आया निष्ठा, इसके बाद रुचि, विदेश जाने के लिए कौन से देश में जाना, रुचि बढ़ने लगी, प्लानिंग होने लगी, तथा शक्ति, आसक्ति हो जाती है भगवान से कि अरे हमें मंदिर जाना है, भगवान का दर्शन करना है, कथा सुननी है, भगवान का दर्शन, भगवान को प्रणाम करना है, तो ये सब तथा शक्ति, इसको आसक्ति होने लगती है धीरे धीरे। जैसे किसी स्त्री से जब शादी किसी की तय हो जाती है तो पहले तय होती है, एक दो बार बात हुई उसके बाद आसक्ति होने लगती है, फिर बिना बात किए कोई रह नहीं सकता है ना, तो बार बार बातें चलती हैं, दिन भर बातें चलती हैं, क्यों, आसक्ति हो जाती है, इसीलिए तो भगवान से भी आसक्ति हो जाती है धीरे धीरे, और धीरे धीरे फिर रुचि इतनी बढ़ जाती है विदेश जाने के लिए कि अपने देश में अच्छा नहीं लगता है, फिर लगता है कब मेरा वीज़ा लगेगा, वीज़ा आएगा और हम तुरंत प्लेन में बैठ के जाएंगे, तथा शक्ति, तथो, फिर उसके बाद शक्ति के बाद, आसक्ति के बाद क्या है, तथा शक्ति तथो भावस, इसके बाद भाव उत्पन्न होता है, ये भाव भी बाहर से नहीं आता है, भाव बाहर की वस्तु नहीं है, भाव भी अंदर की वस्तु है, भाव का कनेक्शन हमारे मन से नहीं है, भाव का कनेक्शन है हमारी आत्मा से, आत्मा से, जब आत्मा स्वाभाविक रूप से कनेक्ट होती है कृष्णा के साथ तब भाव उत्पन्न होता है, भगवान को इतना देखते हैं कि लगता है कि ये कर्टन कभी बंद हो ना, वो कर्टन जैसे जैसे बंद होने का समय आता है वैसे वैसे आँखों से आंसू निकलने लगते हैं कि अब थोड़ी देर के बाद कर्टन बंद हो जाएगा और भगवान के दर्शन नहीं होंगे, तो भावस है ना, धीरे धीरे लोग फिर जिस देश में जाना है वहाँ का एक्सेंट सीखने लगते हैं, वहाँ का रहन सहन सीखने लगते हैं, वहाँ के कपड़े खरीदने लगते हैं, और उनका जो बॉडी, जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाती है, ततो भावस ततः प्रेमाभ्युदंचति, और उसके बाद प्रेम उत्पन्न होते हैं, लग गया वीजा, वीजा लग गया, उसके बाद क्या, थप्पा लग गया, वीजा लग गया, अब आप जा सकते हैं, प्लेन में बैठो और जाओ, तो वीजा क्या है, प्रेम, वीजा लग गया मतलब आप क्वालिफाइड हो गए जाने के लिए, आप जा सकते हैं, फ्लाइट ले सकते हैं, तो प्रेम क्या है भगवान के प्रति, उसकी उत्प्रेक्षा की गई है वीजा से इस उदाहरण में, तो साधका नाम अयम प्रेमणा प्रादुर्भावित भावित क्रमा, और जैसे जैसे भक्त भजन क्रिया करता है, जैसे जैसे भक्त सुनता है, श्रोतव्य कीर्तितव्य श्रवण कीर्तन करता है, वैसे वैसे उसकी भक्ति लता बढ़ती जाती है, और भगवान की भक्ति में जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो प्रेम का ये गुण है कि श्रवण कीर्तन ये छूटता नहीं, श्रवण कीर्तन है वो प्रेम में भी चलता है, आपका पूर्ण प्रेम उत्पन्न हो गया है भगवान श्री कृष्ण में, आप यहाँ पर हैं और आप गोलोक वृंदावन की लीलाएं देख सकते हैं, जब प्रेम उत्पन्न होता है तब ऐसा होता है कि आप बैठे यहां हैं लेकिन आप गोलोक वृंदावन की लीलाएं देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस समय क्या लीला कर रहे हैं गोलोक वृंदावन में, लेकिन श्रवण कीर्तन चलता रहता है, तो आपकी भक्ति लता इतनी बढ़ती है कि गोलोक वृंदावन में भगवान के चरण कमलों में लिपट जाती है, लेकिन
इस संसार में आपका श्रवण कीर्तन समाप्त नहीं होता है। श्रवण कीर्तन जले करे सेचन, श्रवण कीर्तन के जल से अभी भी आप भक्ति लता को सींचते रहते हैं। तो इस प्रेम को बढ़ाने के लिए सबसे पहली वस्तु क्या है? श्रद्धा। सबसे पहली वस्तु क्या है जो होना चाहिए? वह है श्रद्धा। तो तत् श्रद्धाना मुनयो, कि जिस व्यक्ति में श्रद्धा है, और जो व्यक्ति कैसे है? मुनि है। मुनि का अर्थ क्या है? मुनि का अर्थ है मनन करने वाले। तो सब लोग मनन नहीं करते हैं, है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं, विशेष करके आप लोग देखते हैं कि इंडिया में बड़े बड़े प्रोफेशनल कथाकार कथा करते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। तो प्रभुपाद जी तो मना किए हैं, विशेषकर जिनमें भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उन प्रोफेशनल कथाकारों को सुनने के लिए प्रभुपाद जी ने मना किया है। तो कई बार मना किया है शास्त्रों में, अनेकानेक बार मना किया है। तो उसका कारण है, एक अलग कारण यह है कि उनकी कॉन्शियसनेस सुनने वाले के अंदर भी आती है, तो इसीलिए मना किया है। तो किसको सुनना है? तो चार लोगों को सुनना, जो ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय में आते हैं, कुमार संप्रदाय में आते हैं, श्री संप्रदाय में आते हैं, और बुद्ध संप्रदाय में आते हैं। तो यदि कोई संप्रदाय से आया है और जिसका इंटेंशन भगवान की भक्ति करना है, तो उससे सुना जा सकता है, उसके प्रति अपनी श्रद्धा उत्पन्न करके उससे सुना जा सकता है। तो लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कथाकार आते हैं और हजारों स्त्रियां आती हैं और कथा चलती रहती है, उनके आंखों से नेत्रों से आंसू भी आते हैं, लेकिन कथा के बाद कभी वो मनन नहीं करती हैं स्त्रियां। कथा सुन के गई, बाहर भूल गई कि क्या कहा था, कभी मनन नहीं। तो कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? सुन के मनन किया जाए, कुछ सोचा जाए सुन के कि इस कथा से हम क्या ग्रहण कर सकते हैं, हम क्या अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तो कथा सुनने में ही कल्याण करती है, यदि भगवान की कथा सुने तो भी कल्याण होता है, लेकिन यदि हम अपने जीवन में उतार लें कि हमारे जीवन में इस कथा से हम क्या उतार सकते हैं, अपने जीवन में क्या अपना सकते हैं, और कैसे हम अपनी श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं भगवान के प्रति, तो कहना ही क्या है ना? तो श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। और कैसी श्रद्धा का होना आवश्यक है? स्वभाव की श्रद्धा का होना आवश्यक है, बल उत्पादनी श्रद्धा का नहीं, स्वभाव की श्रद्धा का होना आवश्यक है। तो जिसमें श्रद्धा है भगवान के प्रति, और जो वेल इक्विप्ड है, किससे? ज्ञान और वैराग्य से। ज्ञान वैराग्य युक्तया, श्रद्धा है और जिनमें ज्ञान है और वैराग्य है, तो वो लोग भगवान को देख लेते हैं। बताएंगे आपको कैसे देखते हैं, लेकिन वो लोग भगवान का दर्शन कर लेते हैं। तो ज्ञान वैराग्य होना भी आवश्यक है, ज्ञान होना आवश्यक है, वैराग्य होना आवश्यक है। यहाँ इस बात की, ज्ञान की बात नहीं की जा रही कि अरे हमें तो मालूम है, हमने पढ़ा है, हम सब जानते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अरे हमें सब मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं, हम पढ़ लिए, हम सब जान गए हैं। तो ज्ञान का अर्थ ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। भगवद गीता में भगवान का वर्डिक्ट है ये भी, भगवान ने बहुत सारी बातें कही भगवद गीता में, और जो बातें कही हैं उनसे किसी को बदला जा सकता है, किसी को परिवर्तन किया जा सकता है, किसी को भक्त बनाया जा सकता है। भगवान ने कहा है कि ज्ञान कैसा होना चाहिए? विज्ञान सहितम। और जब विज्ञान सहितम होगा, ज्ञान विज्ञान के साथ में होगा, सेल्फ रियलाइज्ड नॉलेज यदि होगा, तो यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, अशुभ से लोग तुरंत निकल जाएंगे और मोक्ष मिल जाएगा। तो विज्ञान क्या है, किसे विज्ञान कहेंगे? विज्ञान विज्ञान के साथ होना चाहिए, तो किसे कहेंगे कि ये विज्ञान के साथ होना? जैसे अभी हमने कहा मुनियो, ज्ञान प्राप्त करके यदि कोई मनन करे,
सीरियसली इंक्विसिटिव जो स्टूडेंट्स हैं तो मनन करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनन करके अपने जीवन में जो उतारते हैं तो ज्ञानम विज्ञान सहितम, तो साक्षात्कार करते हैं ज्ञान का, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। तो और ज्ञान वैराग्य, और ज्ञान के साथ साथ वैराग्य होना चाहिए। भक्ति देवी अकेली नहीं थी ना, भक्ति देवी किसी के साथ में थी। किसके साथ में थी भक्ति देवी? अकेली नहीं रहती हैं भक्ति देवी, भक्ति देवी के दो पुत्र हैं। कौन कौन हैं? ज्ञान और वैराग्य, दो पुत्र हैं भक्ति देवी के। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। तो ज्ञान भी होना, ऐसे भक्ति किसी के हृदय में बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान वैराग्य हो तो कहना ही क्या। फिर उसको कहेंगे सोने पे सुहागा, तो कहते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात हो जाए तो लोग क्या कहते हैं, अरे तो सोने पे सुहागा है, तो ऐसा कहते हैं सोने पे सुहागा, ऐसा कहते हैं। कोई स्त्री है उसके पास बहुत सारा सोना है लेकिन पति है नहीं, तो क्या फायदा। लेकिन पति है सुहागिन है, फिर वो धारण करती है बढ़िया सोने का मंगलसूत्र, कानों में झुमके, गले में सोने का हार, और फिर पति का हाथ पकड़ के जाती है, तो सोने पे सुहागा। सोना है लेकिन पहन ही नहीं रहे, क्या फायदा इससे, सोने रखा है बैंक में। आजकल तो सीधे वो पेपर में सोना होता है, कंप्यूटर में ऑनलाइन खरीद लिया सोना, कभी दर्शन नहीं होता है उसका, ऑनलाइन खरीद लिया, ऑनलाइन बेच दिया है ना। पहले के जमाने में असरफियां रहती थी, लोग असरफियों से आदान प्रदान करते थे, सोने की असरफियां, सोने की मुद्रा होती थी, उससे कोई वस्तु खरीदते थे बेचते थे, तो उसको धन कहा जाता है, कागज को धन नहीं कहा जाता है, कागज के नोट ये धन नहीं है। लेकिन आज के जमाने में ठीक है धन का काम हो रहा है उससे, लेकिन वो धन है नहीं वास्तव में शास्त्र अनुसार। तो ज्ञान वैराग्य, और वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ है डिटैचमेंट, कैसा डिटैचमेंट हो। कृष्ण से डिटैचमेंट की बात नहीं की जा रही, लोगों को कृष्ण से डिटैचमेंट है, प्रॉब्लम ये है ना। किसी को आप बुलाइए कि आ जाइए मंदिर, तो आ जाइए, कब आएंगे पता नहीं, बस आ जाएंगे, जब भगवान की कृपा होगी तब आ जाएंगे। ये बड़ी अच्छी लाइन है लोगों की, आना नहीं चाहते, आलसी हैं, तो क्या कहते हैं, जब उनकी कृपा होगी वो खुद बुला लेंगे। लोग ऐसा कहते हैं, आलसी लोग, आलसी लोग क्या कहते हैं, जब उनकी कृपा होगी बुला लें। अरे वो कब कृपा करेंगे, कब भगवान कृपा करें, जब आपका प्रयत्न देखेंगे तब तो कृपा करेंगे। बैठे तो हैं हृदय में, और हृदय में बैठे हुए भगवान ऐसे देखते रहते हैं ललायत भाव से, कि कब ये इच्छा करेगा मेरे पास आने के लिए और मैं रास्ता बना दूंगा। ललायत भाव से भगवान देखते रहते हैं, जैसे कि छोटा सा बच्चा है माता के पास बैठा है, तो ललायत भाव से माता की तरफ देखता है, बोल नहीं पाता है, तो देखता है कब ये मुझे गोद में ले लेगी, कब ये मुझे उठा लेगी अपनी गोद में। और गोद में आते माता के खुश हो जाते हैं, दांत दिखाने लगते हैं बच्चे, खुश हो जाते छोटे छोटे बच्चे। तो वैसे ही भगवान हृदय में ललायत भाव से देख रहे हैं कि कब ये मेरे पास आने की इच्छा करेगा और मैं रास्ता बनाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारा है, भगवान का नहीं है, हम इच्छा नहीं करते हैं, हम प्रयत्न नहीं करते हैं। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र ये कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से कब बंधे, जब देखा परिश्रम, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने। मैया का परिश्रम देखकर भगवान कृपा करके बंध गए, पकड़ने आ गए, परिश्रम देखे, अरे इतना परिश्रम किया कि इसके माथे में पसीने की बूंदे आ गए, भगवान से देखा नहीं गया, कृपा कर गया। और हम लोग क्या घर में बैठे बैठे कहते हैं टीवी देखते देखते, अरे जब वो कृपा करेंगे तब आ। तो ये गलत स्टेटमेंट है जो लोग देते हैं। तो डिटैचमेंट लोगों को किससे हो गया है? कृष्ण से हो गया है। लेकिन उन चीजों से डिटैचमेंट होना चाहिए जो हमारी कृष्ण भावनामृत में वृद्धि करा दे, उन चीजों से डिटैचमेंट होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिखाने के लिए आए, तो चैतन्य महाप्रभु कैसे आए? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, अपना भक्ति योग भगवान सिखाए, खुद करके सिखाए, निज भक्ति योग वैराग्य विद्या।
वैराग्य भी था उनमें और विद्या भी थी, छोड़ दिया ना सबको भगवान ने, सबको छोड़ दिया, और सबको छोड़ के भगवान सन्यास लेकर निकल गए सिखाने के लिए लोगों को, क्योंकि दूसरों को सिखाएंगे। शिक्षार्थ मेकम पुरुषः पुराणः, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ मेकम पुरुषः पुराणः। ये परम पुरुष हैं भगवान, जो दूसरों को शिक्षा देने के लिए एकमात्र जिनका उद्देश्य था, और आए श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। श्री कृष्ण चैतन्य ये शरीरधारी शरीर लेकर आते हैं, लोगों को सिखाते हैं। कृपां बुधिर यस तमहं प्रपद्ये, कृपां बुधिर यस तमहं प्रपद्ये, कृपा करते हैं जीवों के ऊपर, जीवों को भक्ति देते हैं। तो जब हमारे अंदर श्रद्धा होगी, जब हमारे अंदर ज्ञान होगा, जब हमारे अंदर वास्तविक वैराग्य होगा, ऐसा वैराग्य जो कृष्ण भावनामृत में वृद्धि करा दे, तब पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं, तब पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं, तब जीव अपने आत्मा में परमात्मा को देखता है, देखने लगता है, ऐसा कहा गया, देखता है। पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं, देखने लगता है, कोई देख सकता है अपने अंदर, देख लेगा कोई आत्मा को, देख आत्मा ही को नहीं देख पाते, बड़े बड़े आप माइक्रोस्कोप ले आइए, देख लेंगे आत्मा को रख के, नहीं देख सकते, इतनी छोटी सी है आत्मा की, आत्मा को नहीं देख सकते। बहुत लोगों ने देखने का प्रयास किया और जीवन भर देखते रहे और अब भी देख रहे हैं, और वो मरते चले जा रहे, आए और चले गए, लेकिन आत्मा को नहीं देख पाए। लेकिन कैसे देखा जा सकता है, यहाँ पे बताया गया है, लोग देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, देखिए पुरुषों को तो नहीं समझ में आएगा, किसी स्त्री के गर्भ में कोई बच्चा रहता है तो उसको समझ में आता है ना, उसको समझ में आता है, किसी स्त्री के गर्भ में बच्चा रहेगा तो उसको समझ में आता है कि मेरे शरीर के अंदर एक दूसरा शरीर है, पल रहा है, वो तो दूसरों को बताएगा कि अरे लात मार रहा है, उसको पता चल रहा है, दूसरों को क्या समझ में आएगा समझ में, सुन के हाँ 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 ठीक है बहुत बढ़िया, बस यही कर सकते हैं, देख के केवल बोल सकते हैं कि हाँ हाँ ऐसा हो रहा होगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनको तो अनुभूति हो रही है, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के अंदर धारण किया है, एक दूसरे शरीर को धारण किया है। तो उसी प्रकार से इस थैले में, इस बैग में ना, हमारे जेब के अंदर मोबाइल रहता है, हमको पता रहता है कि हमारे जेब के अंदर मोबाइल है, थोड़ा भारी लगता है, पता रहता है, तो ये भी एक बैग है, किसका बैग है ये शरीर, कुणपेत्र धातु के, तीन धातुओं का बैग है ये शरीर भी, यस्यात्म बुद्धि कुणपेत्र धातु के, कौन कौन से, मांस है, रक्त है, अस्थियां है, इसका ये बैग है, और इसके अंदर हम धारण करते हैं आत्मा को, परमात्मा को। तो देखा जा सकता है, कैसे, भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं, भक्त्या श्रुत ग्रहितया, केवल भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है, और कैसी भक्ति के द्वारा, श्रुत ग्रहितया, जिस भक्ति का पालन किया जाए अपने मन से, नहीं कि आई थिंक भक्ति ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं, श्रुत ग्रहितया, श्रुत ग्रहितया का अर्थ क्या है, वेदों में शास्त्रों में जिस भक्ति का वर्णन है, वह भक्ति जब श्रुत ग्रहितया किसी भक्त के द्वारा हम सुनते हैं, समझते हैं, तब हम अपने अंदर, हम आत्मा को देख सकते हैं, परमात्मा को देख सकते हैं, उसका ज्ञान ले सकते हैं। अरे यहां रहकर कोई व्यक्ति गोलोक वृंदावन की लीलाओं को देख सकता है कि गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो अपने शरीर के अंदर आत्मा का, आत्मा को नहीं देख सकता है, अपने शरीर के अंदर परमात्मा को नहीं देख सकता है, देख सकता है लेकिन प्रोसेस के द्वारा। जैसे ज्ञानी ब्रह्म की अनुभूति करता है, जैसे योगी परमात्मा की अनुभूति करता है, उसी प्रकार से भक्त, भक्त्या श्रुत ग्रहितया, भगवान की अनुभूति करता है इस शरीर के अंदर।
इसी शरीर के अंदर भगवान की, भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, हृदय से अर्जुन तिष्ठ होती, ये भी भगवान का वर्डिक्ट है और किसी का नहीं, किसी दूसरे का नहीं, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं हृदय के अंदर बैठा हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, और अपने पास आने के लिए भगवान बुद्धि देते हैं जब कोई इच्छा करता है भगवान के पास जाने के लिए, है ना। तो लेकिन देखेंगे कैसे भगवान को, जानेंगे कैसे भगवान को, पहचानेंगे कैसे भगवान को, तो एक ही उपाय है, श्रद्धा होनी चाहिए, मुनि बनना चाहिए, अर्थात मनन करने वाला बनना चाहिए। और कैसा मुनि, जिसमें ज्ञान भी हो और जिसमें वैराग्य भी हो, उसके बाद वो आत्मा में परमात्मा को देख सकता है। किस प्रकार से, हृदय में भक्ति को धारण करके, भक्त्या श्रुत ग्रहीतया, है ना। ऐसे तो लोग, अलग अलग लोगों ने भक्ति के पंथ बना लिए, अपने अपने हिसाब से लोग भक्ति करने लगे हैं। लोग कह देते हैं अरे भैया कहीं भी जाओ भक्ति है, किसी भी मंदिर में चले जाओ भक्ति है, किसी की भी पूजा कर लो भक्ति है, है ना, ऐसा कर ले, जैसे किसी को भी लोग गुरु बना लेते हैं। आजकल के गुरु कैसे रहते हैं, बढ़िया सेट पेंट पहने हैं, चश्मा लगाए हैं, है ना, और ऑनलाइन बैठ के बता रहे हैं लोगों को, ऑनलाइन दीक्षा भी दे रहे हैं, ऑनलाइन दक्षिणा भी ले रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, है ना, सब कुछ ऑनलाइन होता है आजकल। तो गुरु को लोग खरीदते हैं आजकल वास्तव में ऑनलाइन, कि ठीक है हमने इतनी फीस दे दी, अब मंत्र कौन सा जपें गुरु जी, तो पानी छिड़क दे, अरे जो मंत्र मन में आए जप लो, जो मंत्र मन में आए वो जप लो, मेरा पूरा आशीर्वाद है, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो कहाँ गुरु जाएंगे और कहाँ उनके चेला जाएंगे, ये भगवान ही जानते हैं। तो जहाँ अब देखते हैं ना, कोई एक भेड़ जहाँ जाती है बाकी भेड़ उसका अनुसरण करते हैं। भेड़ों का ये गुण है कि अगर पहली भेड़ कुएं में गिरेगी तो पीछे वाले सोचती नहीं है कि मुझे कुएं में नहीं गिरना है, यहाँ देखूँ यहाँ, वो भी कुएं में गिरती जाती है। तो 100 है तो 100 की 100 कुएं में गिर जाएंगे, पहली कुएं में गिरी तो पीछे वाला बस अनुसरण करके वो कुएं में गिरती जाएंगे। तो वो सारे गुरु भी गए नरक में और सारे शिष्यों को भी अपने लेके जाएंगे नरक में। लोभी गुरु लालची चेला और नरक में हो गई ठेलम ठेला। तो इसलिए गुरु यदि करना है, भक्तों को यदि ढूंढना है, भक्त्या श्रुत ग्रहीतया, तो कैसे ढूंढा जाए, पहले तो पहचानिए कि ये चार जो प्रमाणिक संप्रदाय में है उनमें है कि नहीं। चार प्रमाणिक संप्रदाय क्या है, ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और स्त्री संप्रदाय। ये चार संप्रदाय, चार चयन है जो भगवान से आ रही हैं, भगवान के पास खींचने के लिए। इसमें हम लोग किस में आते हैं, ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय जिसमें श्री प्रभुपाद जी आए, है ना, ब्रह्मा जी ने नारद जी, नारद जी ने व्यास देव जी, ऐसे धीरे धीरे कहाँ तक आए, श्री प्रभुपाद जी तक आए। तो बहुत, ये संसार बहुत घना जंगल है, बहुत भयंकर जंगल है, जहाँ किसी प्रकार की लाइट नहीं, रास्ता ढूंढना मुश्किल है, किसी गलत रास्ते में मत चले जाना, नहीं तो घूमते रह जाओगे जंगल में, रास्ता नहीं मिलेगा, फंस जाओगे जंगल में। जंगल में लोग फंस जाते हैं घने जंगलों में, रास्ता भटक जाते हैं। तो अलग रास्ता क्यों बनाना, जब रास्ता बना के दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने, इस घने जंगल में श्रील प्रभुपाद जी ने रास्ता बना के दिया, बस फॉलो करना है, केवल श्रील प्रभुपाद जी का रास्ता फॉलो करना है और भगवान मिल जाएंगे। ऐसे तो बहुत कठिन है डगर पनघट की, लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत सरल कर दिया, बहुत सरल। 16 माला जप करना है प्रेम से, और भक्तों के मुंह से सुनना है, कैसे भक्तों के मुंह से, जो प्रमाणिक भक्त हैं, प्रमाणिक भक्त हैं उनको श्रील प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि अप्रमाणिक लोगों को त्यागना है, छोड़ना है। तीन प्रकार के भक्तों की श्रेणियां होती हैं, एक श्रेणी होती है कनिष्ठ अधिकारी, एक होती है मध्यम अधिकारी और एक होती है उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ क्या है, जो माया से भी प्रेम करता है कृष्ण से भी प्रेम करता है, उसको कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। माया भी चाहिए कृष्ण भी चाहिए, माया ज्यादा चाहिए कृष्ण कम चाहिए, तो वो कनिष्ठ अधिकारी है। ठीक है, भगवान के दर्शन करना है लेकिन कुछ अपनी मनोकामनाओं को भी पूरा करना है। लेकिन जिनकी जो फेथ है वो बढ़ गई है कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के,
तो मध्यम अधिकारी हो जाते हैं। उत्तम अधिकारी प्रचार नहीं करता है, मध्यम अधिकारी प्रचार करता है। श्रील प्रभुपाद जी उत्तम अधिकारी थे, लेकिन मध्यम अधिकारी के स्तर में आके प्रचार किए, है ना। प्रचार करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रचार करने के लिए लोगों की बातें सुनना पड़ती है, है ना। लोगों की बातें, लोगों को सुनाने के लिए उनकी बातें सुनना पड़ती है। लोग डांटते भी हैं, मारते भी हैं, कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार प्रचार करना पड़ता है लोगों को, प्रचार करके और धीरे धीरे उनके पास, कृष्ण के पास उनको लेकर आना पड़ता है। तो हमें किसी भी प्रकार से लोगों से प्रेम करके, भक्तों से प्रेम करके कृष्ण को प्रसन्न करना है। कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है? लोगों को प्रचार करके, भक्तों को प्रचार करके कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो इसके बाद फिर अपने आप धीरे धीरे अंत समय में भगवान उत्तम अधिकारी का पद देंगे और अपने पास बुला लेंगे। तत्शुद्धधाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। तो ऐसे तो हमने तीन श्लोक बोलना थे, तीन श्लोक हमने दोहराए थे प्रारंभ में, लेकिन एक ही श्लोक में समय हो गया है, तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। और इस श्लोक का ये अर्थ है, हमने ये जाना कि सबसे जो पहली वस्तु है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति ग्रहण करने के लिए जो की है वो है श्रद्धा। श्रद्धा अपने हृदय में लाना है और मुनि बनना है, ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान का मनन करना है, अपने जीवन में उतारना है। और भक्ति देवी के जो पुत्र हैं, कौन है? ज्ञान और वैराग्य, उनको अपने हृदय में बसाना। ज्ञान वैराग्य से यदि आप प्रेम करेंगे तो भक्ति देवी आपको सब प्रकार के आशीर्वाद देंगी, सब प्रकार से आपसे खुश हो जाएंगे। पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया, और अपने हृदय में भक्ति को लेकर, कैसी भक्ति को लेकर? श्रुत गृहीतया, जो वेदों में लिखी गई है, पुराणों में लिखी गई है। और सेल्फ रियलाइज्ड नॉलेज जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे भक्त प्रदान करते हैं ना, तो ऐसे भक्तों से ज्ञान लेकर, और पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं, लोग आत्मा में परमात्मा के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान का अनुभव करते हैं, परमात्मा को देख सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं और भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, आगे कभी समय मिलेगा तो आगे के श्लोकों की चर्चा की जाएगी, क्योंकि आगे के सारे श्लोक कनेक्टेड हैं इन श्लोकों के साथ में। तो बोलिए श्री राधा गोविंद जी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, भद्र गोपाल की जय, श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, निताय गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम सब लोग प्रभु जी को सम्मानित कीजिएगा, बहुत सरल से मार्ग है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो हमारे स्पॉन्सर है जय कुमार, जितेंद्र कुमार नाम से, जय कुमार सब कुछ जानते हैं, जय कुमार उनके परिवार की ओर से आप उनको भी तालियों के साथ सम्मानित कीजिएगा। बाकी जो प्रोग्राम का अनाउंसमेंट है आरती के बाद में, थोड़ा दो चार मिनट आप दीजिएगा मेरे।